शीतल टॉमी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, अब तो असला को भी एहसास हो रहा है कि सुल्तान उसे मोहब्बत नहीं करता। वो कम्प्रोमाइज़ करके के थक चुकी है। वो अपनी मोहब्बत के साथ कितना ज़्यादा और कम्प्रोमाइज़ करे, सुल्तान को कभी भी उससे मोहब्बत नहीं होगी। सुल्तान हर वक्त उसमें खामियां ही ढूंढता रहता है। तो अब असला ने तो सोच लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अब सुल्तान के साथ नहीं गुजारेगी, सुल्तान को छोड़ देगी और अपनी फैमिली को भी ये फैसला सुना देगी कि वो सुल्तान के साथ नहीं रहना चाहती। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, मशरूफ तो पहले ही असला को समझाने की कोशिश करती है कि सुल्तान जैसा इंसान अपने आप से मोहब्बत कर सकता है, वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मैंने सुल्तान को यहाँ पर कुछ दिनों में रहकर ही जज कर लिया कि सुल्तान किस टाइप का लड़का है। और सरा तुम सुल्तान के साथ काफ़ी अरसे से रह रही हो, लेकिन तुम्हें अभी तक सुल्तान की खामियों के बारे में, खूबियों के बारे में नहीं पता चला। सुल्तान कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो सरा तुम्हें सुल्तान के साथ अपनी ज़िंदगी पर बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी मानो, मैं तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हें सलाह देने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम सुल्तान को छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करो। तो व्यूअर्स, आपको लगता है कि सरा को सुल्तान से डिवोर्स लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।